बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे एक यूनिक स्टाइल के पराठे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, आटा, कैप्सिकम, पोटैटो, ऑयल लीव्स, मोज़रेला चीज़, मेथी, ज़ीरा, धनिया, खुश्क चिली फ्लेक्स, रेड चिलीज़, सॉल्ट एंड ऑयल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी कि कितने कितने चाहिए, आप वहाँ से इजीली नोट कर सकते हैं। मैदा और आटा हमने इसलिए लिया है कि जो हमारे पराठे हैं वो क्रिस्पी से बने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मैदे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देन हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और उसको आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। सही से मिक्स करना है। इस तरह से मुट्ठी बंद करके आप चेक कर लीजिएगा कि ये सही से मिक्स हो गया है। देन इसके अंदर हमने एक अंडा डाल देना है। अंडे आप पहले से चेक कर लीजिएगा कि सही हैं या नहीं, मैंने ये चेक किया हुआ था। और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। पानी ऑलमोस्ट इसमें पूरी रेसिपी में ऑलमोस्ट 2 कप डलेगा, मेरा तकरीबन 2 कप ही डला था, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता से आहिस्ता डालना है ताकि ये इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी सी चाहिए पूरे बैटर की, तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। अब हमने जो बाकी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, आलू बॉयल एंड ग्रेटेड वो डाले, टमाटर डाले, कैप्सिकम, मोज़रेला चीज़, ऑलिव्स, ये सारे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको अगेन। ये देखिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, रनी सी हो। इसके बाद हमने तवे को ऑयल से ग्रीस कर लिया, सारा ऑयल फैला लिया इसके ऊपर ब्रश की मदद से। एक आपने गहरा सा चम्मच लेना, मैंने ये चाय बनाने वाला कप लिया था वो लेके, और इसको तवे के ऊपर फैला देना अच्छे से। बहुत बारीक तो ये नहीं बनेंगे, लाइक थोड़े थोड़े थिक ही होते हैं ये, लेकिन ट्राई कीजिएगा जैसे ऑमलेट बनाते हैं, इसको फैला दें अच्छे से। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके साइड पलट देंगे। पे ऑयल अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल ना भी लगाएं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे पराठे जो हैं वो थोड़े थोड़े ऑयली पसंद हैं। मेरे हस्बैंड को तो ऑयली नहीं पसंद, लेकिन मुझे थोड़े से ऑयली अच्छे लगते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने ऑयल के बगैर पराठा खाना है तो उससे बेहतर है आप रोटी खा लें। पराठे में तो ऑयल होना ही चाहिए, अदरवाइज वो पराठा तो ना हुआ, वो तो फिर रोटी हुई। ये देखें कितने मज़े का माशाल्लाह से आया है इसका कलर। तो दोनों साइडों से हमने गोल्डन गोल्डन कर लेना है, और फिर आपने इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करना है, साथ में केचप और दही की चटनी। इंजॉय करें ये मज़े का ब्रेकफास्ट। अल्लाह हाफिज़।